be strong. अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप राशन कार्ड की ऑनलाइन पीडीएफ कॉपी अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अपने मोबाइल पर क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको ईपीडीएस जो मैंने वेबसाइट बताई थी आपको वापस वहीं पर जाना है, उसे ओपन करना है। और इस वेबसाइट पर आपको नीचे से जो दूसरा लिंक दिख रहा है आरसीएमएस रिपोर्ट, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यह आपसे आपका डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, आपको इस कॉलम में अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है और उसके बाद शो बटन पर क्लिक करना है। शो बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जितने भी कार्डधारी हैं जो रूरल और अर्बन एरियाज में आते हैं वो आपको दिखा देगा। अब आपको अगर आप रूरल एरिया में आते हैं तो आपको रूरल पर क्लिक करना है, अगर आप अर्बन में आते हैं तो आपको अर्बन पर, हमारा रूरल है। उसके बाद हमें ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है अपना। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना पंचायत सेलेक्ट कर लेना है। पंचायत सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना विलेज सेलेक्ट कर लेना है। विलेज सेलेक्ट करते ही आपको उस विलेज में जितने भी नए राशन कार्ड बने हैं उनकी जो है एक लिस्ट आपके सामने आ जाएगी और आप अब यहां से अपना राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी पीडीएफ कॉपी आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर टोटल 21 पेज हैं, मैं आपको दिखा दूं, टोटल 21 पेज हैं। तो आपको पर पेज पे अपना नाम सर्च करना होगा या ढूंढना होगा और नेक्स्ट करके आप अपना नाम ढूंढ सकते हैं। और अगर आपको अपने FPS डीलर का नाम पता है तो आपको ढूंढने में ये सहायता होगी एक तरह से। उसके बाद जैसे ही आपका नाम मिल जाए तो आप बस इस पर क्लिक करना है आपको राशन कार्ड के नंबर पर, और यहाँ से ये उसकी कॉपी जो है आपको दिखा देगा और फिर यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको प्रिंट पेज पे जाना है। प्रिंट पेज पे जाने के बाद आपको यहाँ से सेव एज पीडीएफ पे क्लिक करना है और इसे सेव कर लेना है। ये दूसरे की है तो मैं अभी इसे सेव नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरह से जो है आप अपने राशन कार्ड की ऑनलाइन पीडीएफ कॉपी निकाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।